यूपी के बाराबंकी में कर्ज में डूबे किसान ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। किसान की मौत पर बीजेपी सांसद उपेंद्र रावत ने अजीबोगरीब बयान दे डाला। उन्होंने कहा कि इसमें प्रशासन की कोई गलती नहीं है, मृतक पर प्रेशर था, उन पर कर्ज बहुत ज्यादा था, इसलिए शायद वो समझ नहीं पाए और उनका दिमाग काम नहीं किया। दरअसल मामला बाराबंकी के मवैया मजरे सादुल्लापुर का है। यहाँ रहने वाले जगजीवन वर्मा ने 3 बैंकों से करीब 49 लाख रुपए का कर्ज ले रखा था। कर्ज न चुका पाने के कारण बैंकों ने आरसी जारी कर दी। आप सब जानते हैं जो घटनाक्रम हुआ है, और अभी यहाँ मैं आया था, उनके परिवार के लोगों से भी मिला हूँ। मैंने जिलाधिकारी से बात भी की है और इनसे मैंने कहा है कि अगर आप लोग सहमत हो तो मजिस्ट्रेटल जांच इसकी हो जाए, क्योंकि मजिस्ट्रेटी जांच में फिर सारी जांचें होंगी। जैसे कि इनका किसान क्रेडिट कार्ड का पैसा, यहाँ लोगों ने बताया कि 4 बैंकों से पैसा लिया गया है, तो यही गलत हुआ इसमें। इसका मतलब कि बैंक के लोग भी इन्वॉल्व हैं। 4 बैंकों से कर्जा लिया नहीं जा सकता है, केसीसी का नोटिस लिया जाता है, तो इसमें 4 बैंकों से कर्जा लेने का मतलब हुआ कि काफ़ी उनके ऊपर कर्जा बढ़ गया और उसकी वजह से इस तरह की घटना हुई। आर्थिक सहायता के लिए जो प्राविधान है इसमें कि जिलाधिकारी कुछ नहीं कर सकते हैं, अगर ये आवेदन करेंगे तो इनके आवेदन को रिकमेंड करके शासन को भेजेंगे, मुख्यमंत्री को भेजेंगे, वो भी मेरी बात हुई है तो वो भी करने के लिए तैयार, मजिस्ट्रेटल जांच के लिए तैयार हैं, और अगर ये लोग सहमत होंगे तो मजिस्ट्रेट की जाँच करा करके जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। इनके घर के लोगों का आरोप है कि तहसील अमीन और तहसीलदार प्रेशर बनाते थे जिसके कारण उन्होंने सुसाइड किया, तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी इसके जिम्मेदार है। प्रेशर क्या, प्रेशर की बात नहीं, वो तो लेकर के गए थे, पकड़ करके ले गए थे ना, पकड़ करके ले गए थे। अब चूँकि कर्जा बहुत ज़्यादा था तो मुझे लगता है कि वो समझ नहीं पाए और वो कहीं उनका दिमाग नहीं काम किया। उनके लड़के का आरोप है, कई बार अमीन आए थे और 2-4 हज़ार 5 हज़ार लेके चले जाते थे, लेकिन अब की बार जो है हमारे पास पैसा नहीं था इसलिए मतलब पकड़ ले गए। हो सकता है ऐसा होता हो, मुझे तो ऐसी कोई बात नहीं मेरे सामने आई। अच्छा, परिजन है तो हो सकता है कि इस तरीके का भी होता हो, अगर ऐसा होगा तो ये तो मजिस्ट्रेट जांच अगर हो जाएगी तो सब सारी बातें आ जाएंगी। किसान बैठा हुआ है आपके सामने बैठा हुआ, तो कहीं ना कहीं किसान भी परेशान है। किसान परेशान क्या, ये जो घटना हुई है इस घटना से परेशान है, मैं भी परेशान हूँ, मैं खुद यहाँ आया हूँ। अगर इस तरह की कोई घटना होती है और तो परेशानी की बात तो ही है, वो आज कोई किसानी के मुद्दे को लेकर के थोड़े बैठे हैं, तो किसान परेशान है ये बात आप इस शब्द को का प्रयोग करते हैं। इस समय यहाँ पर जो एक घटना हुई है, एक व्यक्ति जो है वो ख़त्म हो गए हैं, तो किसान भी परेशान है, चाहे वो सर्विस पेशे वाला आदमी परेशान हो, चाहे राजनीति करने वाला हो, सभी तो परेशान। मुकदमा दर्ज होगा तहसीलदार और अमीन के ऊपर मुकदमा दर्ज होगा? मैं अभी इस बारे में कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि उनका उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करने के लिए शासन से परमिशन लेनी होती है। वहीं इस पूरे मामले में परिजन दोषी जिम्मेदार राजस्व अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ बाराबंकी से सैयद रेहान मुस्तफा, यूपी तक।